भौतिक शरीर आपका यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन आप अलग अलग लोकों में जाने का इंटेंशन रख के आप वहां होकर फिर वापस भौतिक शरीर में आए, ठीक है? किसके द्वारा गए आप? थॉट में क्या है? एनर्जी, राइट? वारे वाह। हमारे बॉडीज कितना है? क्वेश्चन पेपर लीक हो गए क्या? सेवन बॉडीज में से सेकेंड बॉडी कौन सा है? एनर्जी बॉडी, यत्रिक बॉडी। तो भौतिक शरीर यहां बैठने के बावजूद भी आप जो घूम के आते हो किसके द्वारा? एनर्जी बॉडी, यत्रिक बॉडी के द्वारा रस्सी, तार, प्लग वहां लग जाती है जहां आपकी इंटेंशन जाती है। क्लियर? यस बाबा, बस इस पॉइंट को याद रखिएगा। राइट। जिस ग्रह में हम सब बैठे हैं उसको हम धरती बोलते हैं। तो इस धरती के बारे में हम बहुत दिनों से 3D, 4D, 5D की बहुत सारे बातें करते हैं। जिस डायमेंशन में धरती है इस तरह के बहुत सारे ग्रह भी है, बहुत सारे गैलेक्सीज में इसी तरह की बहुत सारे डायमेंशंस भी है। ओपन है माइंड, ओपन है, बहुत सारे डायमेंशंस है माय डियर फ्रेंड्स। धरती पर हम सब मानव रूप में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डायमेंशन की एनर्जीज को कैसे हम फील कर रहे हैं, उसी तरह हर एक डायमेंशन में अलग अलग एनर्जीज है, अलग अलग मैकेनिज्म्स चलते हैं वहां पर। आर्कटूरस की नाम सुना, प्लीडियंस का नाम सुना, सीरियंस, एंड्रोमिडंस, ये सब अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग स्टार सिस्टम्स। मैं इजी वे में आप लोगों को ले जाने की प्रयास कर रही हूँ। ये तो हम चार बोला, ऐसे तो बहुत सारे हैं। अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग एनर्जी है, उस एनर्जी के अकॉर्डिंगली वहां का अलग अलग मैकेनिज्म्स है। धरती पर अभी नहीं बोल सकती, अभी से कुछ दिन पहले ड्यूअलिटी तांडव कर रही थी, जिसको हम सब कलयुग की गाना गा रहे थे, राइट? अब इसलिए नहीं बोल रही हूँ, कलयुग शांत हो गई है। अब किसी कहीं लोगों को ये बात पचेगा नहीं, बस पचा लो। ड्यूएलिटी तांडव कर रही थी। ये हम धरती की मैकेनिज्म्स के बारे में बातें कर रहे हैं, जो आम भाषा हम जानते हैं उसी के द्वारा समझने की प्रयास करेंगे। इसी तरह यदि आप नेक्स्ट डायमेंशन में देखेंगे, वहां पर एकता, यहां जो तेरा मेरा की जो चल रहे हैं, जैसा जैसा डायमेंशन बढ़ जाती है वहां पर तेरा मेरा गल जाती है, और एक दूसरे के लिए सपोर्ट करना, एक दूसरे के लिए जीना शुरू करते हैं, क्योंकि उस डायमेंशन में वहां का मैकेनिज्म वैसा है, उस डायमेंशन की स्थिति वैसा है। क्लियर? हम सब ध्यान करते वक्त भी इसको बार बार फील करते रहते, एम आई राइट? यस माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझना है, सिर्फ धरती नहीं है, धरती के अलावा बहुत सारे गैलेक्सीज, बहुत सारे स्टार सिस्टम्स के साथ साथ बहुत सारे डायमेंशंस, यूनिवर्सेस भी है। यहाँ तक क्लियर? यस माय डियर फ्रेंड्स। अब ध्यान करते हुए, जब 2015 में हम ध्यान में आए, तब मुझे नहीं पता, सिंपल सरल जॉब करते हुए जो स्टार्ट किया, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन शुरू होने लगे। जैसा जैसा यहाँ से एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी बॉडी की लिंक जैसा दूसरी डायमेंशन से कनेक्ट होने लगा,
वहाँ की चीज़ें देखने के बाद, फील करने के बाद, फिर बात समझ में आया कि बियॉन्ड फिजिकैलिटी कुछ है। उस बात को जानते हुए सबसे पहले मैं ये शरीर मात्र नहीं हूँ, ये हम लोगों को हेल्प किया या नहीं किया। उसके बाद फिर मैं ये शरीर नहीं हूँ तो क्या है, उस बात को जानने के लिए फिर और प्रश्न करके, कौन हूँ मैं, क्या कर रही हूँ इस धरती पर, इस औरत की दीप्ति की शरीर में, तब अलग अलग चीजें दिखने लगे। तो हमारा लक्ष्य क्या है, वहां तक हम आराम से जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो फ्रीक्वेंसी हमेशा आप सभी की बात याद रखिएगा, यू आर यूनिक, एवरीवन इज यूनिक हियर, एक दूसरे की कॉपी नहीं है। आप अपने ध्यान में जहां कनेक्ट हो रहे हो, जिसका अनुभव कर रहे हो, वो आपके लिए है। उसका, उसको समझने का जो एनर्जी जब आपके भीतर उतरेगा, वो आराम से उस दिन आपको बात समझ में आ जाएगा। तो हमें अपने लक्ष्य के प्रति भी अवेयरनेस बढ़ेगा। तो उस फ्रीक्वेंसी तक बढ़ाने के लिए ही सबसे पहले पिता माँ ने तीन सूत्रास बोला है, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत। तो आप एवरी डे इन तीनों को करते हुए धीरे धीरे आप जिस पर्पस के लिए धरती पर उतरे, वो पर्पस की फ्रीक्वेंसी अपने आप कनेक्ट होगा। इस बात को लेके पूरा चिंता छोड़ दीजिए पहले आप लोग। क्यों बोल रही हूँ, हम इतनी सालों से वर्कशॉप्स करते, ये करते, वो करते, एक दूसरे के सुनने के बाद नया चिंता जोड़ देते हो। आप चिंता छोड़ने के लिए आते हो, नया चिंता छोड़ देते हो, है कि नहीं। उसको ना लेते हुए आप लोग अपने रास्ता में आगे बढ़ते हुए, जब वो एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी में आपको अवेकन होगा, उस फ्रीक्वेंसी में पहुंचते ही आपको अपना जीवन की लक्ष्य समझ में आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इनर जर्नी के बारे में मैं 2-3 मिनट बताना चाहती हूँ। 2015 से ध्यान करते हुए 2019 से एक नया घटना शुरू हो गया। हम लोग जब ध्यान में बैठने लगे, हमारे भीतर बोन्स, बोन मैरोस, मसल्स, जॉइंट्स, सब क्लीनिंग देखने लगे। हम खुद कोई आके कुछ कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, मशीनरी यूज कर रहे हैं। पहले तो बात समझ में नहीं आया, थोड़ा सा घबरा भी गए थे हम लोग, ये सब क्या है, क्योंकि पहले हमें किसी ने ना बताया, ना जानते थे हम। तो फिर ये सब करने के, देखने के बाद फिर हम बालकृष्ण सर से शेयर किया, मैं, बालकृष्ण सर, शंपा मैम, हम सब हिंदी और तेलुगु में इनर जर्नी वर्कशॉप शुरू किया। इनर जर्नी वर्कशॉप्स में हम सब बैठ के ध्यान करते थे। ध्यान में, सामूहिक में, हम सब दूसरा डायमेंशंस में जाते थे, जाके वहाँ पर, यहाँ जो फिजिकल बॉडी में रहने वाला, इस अस्तित्व में जितना भी ड्यूअलिटी बैठी हुई है, इस ड्यूअलिटी की संबंधित एनर्जी को वहाँ पर क्लीन करके हम वापस आते थे। ड्यूअलिटी की क्लीनिंग होते ही हम सब एकता की और आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए। जो आत्मा एकता में आना चाहती है, एकता, प्रेम और करुणा के हायर डायमेंशंस के और आगे बढ़ना चाहती है, वो सब आत्माएं इसमें जुड़ते जा रहे हैं दिन बर दिन। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हम बाहर जो भी देख रहे हैं खुले आंखों से, दोनों चर्म चक्षु से, वो 0.0001 भी नहीं है। असली जो प्रपंच है, अभी आप अंतर, इनर वर्ल्ड के बारे में जानकारी लिए, तो इनर वर्ल्ड में बहुत कुछ है। अब इनर वर्ल्ड में कैसा जाना है, ध्यान के द्वारा, इंटेंशन के द्वारा हम इनर वर्ल्ड में जाकर
ऐसा बहुत सारे चीजें हैं इस इनर वर्ल्ड के, इनर जर्नी के द्वारा इनर वर्ल्ड में जाके हम चीजें सीख के आ सकते हैं। अलग अलग टाइम पर हम सब अलग अलग डायमेंशन की एनर्जी को एक्सेस कर रहे हैं। बात समझ में आया? हम सब अलग अलग टाइम पर, सुबह दोपहर शाम, मैं तीन ही बोल रही हूँ, अदरवाइज ये तो हर पल चेंज होती है, उसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, इजी वे में सुबह दोपहर शाम तीन हिस्सा में लेंगे, एक को भी लेंगे, एक पर्सन को भी लेंगे आप, सुबह एक डायमंड एक स्थिति में है, दोपहर को एक स्थिति में, शाम को एक स्थिति में है। हमारा एनर्जी जितना डिवाइन लेवल पर होती है, जितना हाई होती है, उतना हाई फ्रीक्वेंसी की तार जुड़ जाती है, फिर उतना हाई डायमेंशन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। उस हाई डायमेंशन में जो स्थिति है, यदि वहां पर परमानंद की स्थिति है, वहां पर एकता की स्थिति है, प्रेम करुणा की स्थिति है, तो आप उसको फील कर रहे होते यहां बैठकर। यदि आपको किसी ने कुछ बोला, आपका दिल दुखा, आपको गुस्सा आया, आपके अंदर जजमेंट आया, तुरंत आपने उनके साथ आर्गुमेंट किया, लोअर फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो, फिर लोअर फ्रीक्वेंसी में आपके अंदर रिवेंज, कंपैरिजन, ये सब आ जाते हैं। सुबह एक जैसा, दोपहर को एक जैसा, शाम को एक जैसा, इसको और डिटेल में जाएंगे हम, तो हर पल हम चेंज हो रहे हैं दोस्तों, राइट? तो ये हर बार आप भीतर से जो फ्रीक्वेंसी की कनेक्ट कर रहे हो, जहां पर आप कनेक्टेड है, वहां से आप एक्सेस कर रहे हो। यहां तक बात क्लियर? इस बात को याद रखते हुए कॉन्शियसली डिसीशन के साथ आप पूरा हायर डायमेंशंस में जो स्थित ज्ञान को इस नव मोमेंट में ही कनेक्ट होकर अपने भीतर उतार सकते हो। उतारते हुए खुद का परिवर्तन, एट द सेम टाइम लोक कल्याण के लिए भी आप डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन सकते हो। जो भी हम यहां पर बता रहे हैं दोस्तों, प्रैक्टिकली जब जब हम इनर जर्नीस में जाते थे, ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा चले गए वहां पर, जैसे यदि सडनली यहां पर कोई आर्क्टूरियन आके खड़े हो जाए, आप क्या करोगे? खोलो दरवाजा, भागो, एलियन आया। यही एक बार ऐसा क्या हुआ, हम जब हायर डायमेंशन में गए तो मेरे चारों ओर एनर्जी बॉल्स घेरने लगे, मुझे भी ऐसा एलियन की तरह देखने लगे, पूछने लगे कहाँ से आए, या वहाँ पर एनर्जी लैंग्वेज पूछने लगे कहाँ से, तब अर्थ से, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अर्थ से। 10 बार मेरे से यही प्रश्न किया गया, 10 बार मेरा जवाब यही रहा, मैं अर्थ से ही हूँ, क्योंकि मैं गई अर्थ से। तब वो सब और गहरा, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा, उन्होंने बोला इट्स इम्पॉसिबल, धरती से कोई यहाँ पर नहीं आ सकते, दिस इज द वेरी कंपैशनेट डायमेंशन। कंपैशन यदि पीक लेवल में पहुंच जाए, सिर्फ वो ही यहाँ तक आ सकते हैं। धरती पर अभी तक उतना कंपैशन डेवलप हुआ ही नहीं। हाउ कैन यू कम केम फ्रॉम द अर्थ? तब मैं मेरे पास और कोई जवाब ही नहीं था, तब हमारे हीरो साहब पहुंच गए। कौन है हीरो PSSM का? तालियां बजाइए उनके लिए। सर आए, उनके और मेरे बीच में खड़े,
उनको कॉलर उठा के बोला, दिस इज जस्ट सैंपल वाट एवर यू आर सीइंग। ये सिर्फ सैंपल देख रहे हो, पूरा क्यू लगी हुई है, कुछ दिन में ही देखोगे। अर्थ को लेके उनकी कंसर्न, अर्थ को लेके उनका प्राउड, या अर्थ को किस जिस अर्थ डूब रही थी उसको उठाने का उन्होंने जो इस यज्ञ को हमारा ऊपर भरोसा को उन्होंने चार शब्दों में ही बता दिया। यस, वो क्यों? हम सब है। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह हम सब इनर जर्नी के द्वारा जैसा जैसा रेडियो की चैनल कनेक्ट होती रहती है, हम चैनल घुमाते रहते, उसी तरह हम जब चाहिए तब जैसा चाहिए वैसा कनेक्ट होकर हम वहाँ से विजडम ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसा है, आइंस्टीन मास्टर का भी सुना होगा, वो नॉर्मल साइंटिस्ट नहीं है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। उनका बारे में पहले कोई नहीं जानते थे, बचपन में कुछ और बच्चे के रूप में उनको देखा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान को उतारा गया है। तो वो ऐसे कनेक्ट होते थे, कनेक्ट होकर उस डायमेंशंस में जो विजडम है उस विजडम को हम उतार सकते थे। उसमें से एक एग्जाम्पल मैं ये भी कह सकती हूँ, क्योंकि हम सबको अब जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं एक ऐसा गुफा में पहुँच गई, वहाँ पर बैठे हुए व्यास महामुनि जी, उनको साष्टांग प्रणाम। व्यास महामुनि जी मुझे सामने तालपत्र ग्रंथों को दिखाया, दिखाते हुए बोला, स्कूल्स में इस तरह की बच्चे बैठे हुए थे, स्कूल्स की टेबल्स, टेबल्स में खुला हुआ किताब दिखा रहे थे, किताब को तालपत्र ग्रंथों से रिप्लेस करते हुए दिखाया। एक बार, दो बार, तीन बार, फिर बोला, आने वाले दिनों में आत्मज्ञान को एजुकेशन में उतारना होगा, उसका सबके लिए आप सब तैयार हो जाओ, एजुकेशनल सिस्टम को बदलना होगा करके हम लोगों को हमारा काम बताया, हमारा लक्ष्य बताया, हमारा पर्पस बताया, है कि नहीं? इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स हम लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये तो मैं अवेयर थी, इसलिए मैं वहां पर इस बात को ले लिया, याद भी रखी हूँ, अब मैं दोस्तों से शेयर कर रही हूँ। एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पर आप भी जा रहे हो एवरी डे इन मेडिटेशन, इन स्लीप स्टेट, आप भी जा रहे हो डिफरेंट डायमेंशन से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकर भी आ रहे हैं। अवेयर में ना होने की वजह से बस शेयरिंग रह गया, एम आई राइट? यस, वो कहीं नहीं गया, आपकी बॉडी में लाइट कोट्स के रूप में बैठा हुआ है, समय आते ही वो उभर कर आ जाएगा। इस तरह की इनर जर्नी, यानी भीतर जाते हुए जो भी डायमेंशंस, जो भी ज्ञान, वो सब बाहर से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। भीतर से ही इनर वर्ल्ड में जाकर वहां से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, पाते हुए आप अपने लिए भी और लोगों कल्याण के लिए भी डिवाइन इंस्ट्रूमेंट्स बन सकते हैं। लेम्यूरियन सिविलाइजेशन की नाम किसी ने सुना? अटलांटिस बहुत टेक्नोलॉजी के साथ हमसे पहले जिया हुआ सिविलाइजेशंस, वो डूब गया। उसके रीजन जानने से हम अपनी सिविलाइजेशंस को बचा सकते हैं या नहीं? तो माय डियर फ्रेंड्स,
उस सिविलाइजेशन में टेक्नोलॉजी के नाम से, डेवलपमेंट के नाम से मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ता गया, फेमिनाइन एनर्जीज को जहां जगह ही नहीं दिया, इसलिए डूब गया। बात समझ में आया? अब उस सिविलाइजेशन के पास, अब हम लोग 2024 में इस फिजिकल बॉडीज में ध्यान में बैठकर हजारों साल पहले जो बीता हुआ, उस सिविलाइजेशन में जाके क्या घटना घटी थी जिसकी वजह से ये कोलैप्स हुआ है, यदि वो जानकारी लेने से अब हम अपनी सिविलाइजेशन, अपनी धरती को बचा सकते हैं, ये संभव है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? इनर जर्नी के द्वारा। यदि बाहर आप किसी से भी पूछेंगे, आपको कोई नहीं बताने वाले कैसा हुआ सिविलाइजेशन। एक लेवल तक आपको इंटरनेट में इधर उधर इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको किताबों में कहीं पर भी मिल रहा हो वो एक लिमिट है। अक्षर में उतरने वाला हमेशा लिमिट है, याद रखिए। जो असली ज्ञान होती है वो अक्षर में बैठ नहीं सकती। बियॉन्ड लेटर्स, बियॉन्ड फिजिकैलिटी जो ज्ञान लेना है वो आपको खुद को जाना होगा उस जगह पर। उसके लिए आपको हर दिन ध्यान करते हुए अपनी एनर्जी को बढ़ाना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, एवरी डे आप ऑलरेडी जो इनर जर्नी कर रहे हो उसमें क्या क्या उतर रहा है, उसका अवेयरनेस बढ़ते ही और धीरे धीरे आपकी मुंह से जब वो शब्द निकलेगा तब आप खुद साक्षी बन जाओगे। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ना, यदि आप इस माइंड को समझ जाओगे तो धीरे धीरे ही माइंड अपनी पंखड़ियां खोलकर आत्मा की रूप धारण करेगी। आत्मा का ही छोटा सा हिस्सा माइंड है। लड़ना नहीं माइंड से, काम करना है, उसको वेपन बनाना है, है कि नहीं? ध्यान से संभव है। ये 30 साल, 40 साल, 50 साल की हमारा जर्नी नहीं था। हमारा हजारों सालों से ये आत्मा, जब से पूर्ण आत्मा से बाहर आई, जन्म लिया, तब से शिशु आत्मा, युवा आत्मा, इस तरह के कहीं सारे तरह तरह जन्म लेते हुए, सीखते हुए, पहले नास्तिकता से फिर आस्तिकता में आकर, पहले कोई भगवान नहीं है, बाद में कोई शक्ति चला रहे, वो शक्ति कहाँ है, क्या है, कहीं बाहर है, चलो ढूंढते हैं उस शक्ति को, करते हुए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाकर, अच्छा वो बाहर है कोई शक्ति चलाने वाली, इस तरह की कहीं सारे जन्म की यात्रा करते हुए फाइनली जो आत्मा उस मोड़ पर आ जाती है, जितना भी मैं बाहर ढूंढूं कोई फायदा नहीं, जिसके लिए मैं ढूंढ रहा हूं वो मेरा भीतर है। जब वो पता चल जाता है, उस मोड़ पर आने के बाद ही ध्यान की शब्द उनके कान में घुसती है, इसलिए वो सब ध्यान कर रहे हैं। दोस्तों, हम सब वही है। अपने लिए तालियां बजाइए। अब इस बात को याद रखिएगा, यानी इस मोड़ तक, ध्यान तक आने के लिए आत्मा बहुत लंबी यात्रा किया, इसलिए हम सब पूरा भरोसा से क्या बोल रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि यानी हम ब्रह्मा है। कितने लोगों को इस बात पे अंदर से यकीन है? हम बोलने से बोलना अलग, अंदर से यकीन। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये आत्मा इतनी लंबी यात्रा करके अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में आकर तब करती है संकल्प। तब तक ये इच्छा अनुसार मेरा नसीब से कुछ चल रहा है, किसी भगवान ने, मेरा नसीब ने लिखा, इनकी वजह से, उनकी वजह से करते हुए आते हैं। लेकिन इस मोड़ पर आकर, इस मंजिल पर आकर
तब बोलते अहम ब्रह्मास्मि। जब ये कण कण से निकलेगी अहम ब्रह्मास्मि, तब बोलेंगे पितामह ब्रह्मर्षि पत्रिजी बनकर इस पूरा जगत को अहिंसा शाकाहार पिरामिड मैत्री ध्यान जगत बनाना ही है। क्या इसकी सपना भी कोई और कर सकते हैं? जो सपना ले रहे हैं, जो इसकी इंटेंशन रखे हैं, उनकी अंदर कितना भरोसा, कितना भगवत्ता जागा होगा, है कि नहीं? पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने 40 साल पहले जो इंटेंशन रखा है, उस इंटेंशन का रिजल्ट से सेम इंटेंशन के साथ जन्म लिया हुआ ये सारे महोन्नत आत्मा जुड़ते जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बात समझ में आया? यस। अब हम किसी नसीब को लेकर, किसी भगवान को लेकर इनसे मांगना, उनसे मांगना नहीं। क्रिएशन के बारे में सीखा हम यहाँ पर, सुना कैसा सीख करना है, थॉट पावर, राइट? तो ये सब हम अपनी इंटेंशन से कर रहे हैं। तो यस, इंटेंशन करने वाला वो अपने आप को क्रिएटर समझ के करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरह हम सब अपने जीवन को ध्यान में आने के बाद इच्छा शक्ति से पर्सनल लेवल पर भी, सोसाइटी लेवल पर भी हम कितने सारे काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली। जैसा अभी हम जिस सेहत वर्कशॉप में बैठे हैं, इसका रिजल्ट मानिए। दुख भरी कहानी को लेते हुए आदत हो जाती है, बहुत गहराई की बातों को समझ लीजिए आप। दुख भरी कहानी को लेके जिसमें हम जिंदगी जी रहे होते 30 साल, 40 साल, 50 साल से, उस आदत से हम उसी में रहना भी चाहते हैं। बहुत अजीब बात लगेगा ये, लेकिन सत्य है। हम उसमें रहना चाहते हैं, कोई रास्ता दिखाने के बावजूद भी हम बाहर आना नहीं चाहते। तो कॉन्शियसली विजडम के साथ धारणाओं को बदलते हुए संकल्प लेना होता है। जब आप संकल्प लेते हैं, पूरा ब्रह्मांड सारे धर्मों को बदल देती है। पहले से आपको क्या चल रहा है, क्या नहीं है, वो सब कैलकुलेशन हम करते, लेकिन इस वर्तमान में, इस प्रेजेंट मोमेंट में आप जो डिसीशन लेंगे, उस डिसीशन के अनुसार आपकी पास्ट, आपकी फ्यूचर भी बदल जाती है। एट द सेम टाइम सारे डायनामिक्स, आपके साथ सहजीवन करने वाले आपके फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, कोलीग्स, बॉस, एवरीवन, उन सब में बदलाव आएगा। आपने एक बार संकल्प कर लिया मुझे ये करना है, यदि आप एनर्जेटिकली सेंसिबल होंगे तो तुरंत सारे मॉलिक्यूल्स, सारे डायनामिक्स इस यूनिवर्स में बदलते हुए फटाफट आप उसको फील कर पाएंगे। कई बार हम ध्यान में बैठकर तुरंत, जैसा बोलते हम पूर्णात्मा के साथ जुड़ना है, तुरंत वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, एकदम हाई हो जाती है कि नहीं? डायनेमिक्स चेंज हो गया या नहीं हुआ, राइट? यस माय डियर फ्रेंड, प्रेजेंट मोमेंट में यदि आप किसी आर्गुमेंट में, किसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो रहा है सिचुएशन, तुरंत आंख बंद करो, बोलो आई एम लव, आई लव यू। क्या बोलोगे? आई लव यू। बोलते ही तुरंत आपके अंदर से संकल्प के द्वारा चारों ओर के डायनामिक्स चेंज हो जाएगा, आपकी एनर्जी भी बदलेगा, बाहर का भी एनर्जी बदल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब बहुत सुंदर बात, हम
इतनी सालों से, इतनी जन्मों से मेंटल बॉडीज में बहुत सारे एनर्जी पैटर्न्स को भी लेकर आ रहे हैं। उनको हम कर्मा के नाम से भी सुनते आ रहे हैं। पूरा प्रकृति जो भी कुछ करना चाहती है उसकी अनुसार हम लोगों को चूज करकर हमारे द्वारा उस लक्ष्य को कंप्लीट करती है। बहुत गहराई की बात मैं रिपीट करना चाहती हूँ, एग्जाम्पल लेकर जाना चाहती हूँ। धरती पहले पांचवा तल में थी, तीसरी तल में गिर गई, तो वापस इसको पांचवा तल में ले जाना है, राइट? यहां तक बात क्लियर? अब पूरा कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड के जो बोलते हैं हम, पूरा कॉस्मोस जिसमें करोड़ों गैलेक्सीज, यूनिवर्सेस, डायमेंशन सारे स्थित है, ये सबको क्या बोलते हैं? पूरा कॉस्मोस। पूरा कॉस्मोस को ध्यान रखने वाला कॉस्मिक गवर्नमेंट ऐसा भी है, सुन लीजिएगा, राइट? तो कॉस्मिक गवर्नमेंट डिसाइड ने कर लिया इस धरती को ब्लास्ट होने नहीं देना है, तीसरी से ऊपर उठाना है। अब वो कॉस्मिक गवर्नमेंट वो संकल्प रखा है, यानी अब वो क्या करेगी, उस जिनके द्वारा ये संभव है उनको धरती पर उतारेगी। वो ही है पत्री जी की सेना, वो ही है पिरामिड मास्टर्स। अब बात समझ लीजिए, यानी विश्व यानी कॉस्मिक गवर्नमेंट या कॉस्मोस ब्रह्मांड जो भी कुछ करना चाहती है वो करने के लिए हम लोगों को सेलेक्ट करती है और वो हमारे द्वारा प्रकटित व्यक्त होती है। वो व्यक्त इस प्रेजेंट मोमेंट में यहां पर भी हो रहा है, यानी इस धरती को तीसरा से पांचवा तल में ले जाने के लिए जिस प्रकाश को, जिस ऊर्जा को धरती पर उतारना चाहिए, वो जिसके द्वारा उतर सकती है उन वर्कशॉप्स को धरती पर कंडक्ट करवाते ये हो रहे अभी इस वक्त। बात समझ में आ रहा? यहाँ पर हर एक के द्वारा ये विश्व, ये ब्रह्मांड हर पल अनुभव कर रही होती, एक्सप्रेस कर रही होती, जो भी करना चाहती है वो व्यक्त कर रही होती। डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, अपने आप को कभी भी नज़रअंदाजा नहीं करना है। यहाँ हम सब है तब भी कंप्लीट है, यदि आपकी बिना कंप्लीट है तो आपको यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं होता। क्लियर? ट्रस्ट योर सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स। यस, अब यहां पर फिजिकल लेवल पर रहते हुए ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समय आ गया इसलिए इंपॉर्टेंट है, 2024 आ गया इसलिए और इंपॉर्टेंट है, निद्रा अवस्था से जागने का। अब इसी वक्त में, इसी समय पर फिजिकल लेवल पर रहते हुए, यस, मैं, मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, परिवार में बच्चे की पढ़ाई चाहिए करके एक अपनी परिवार का लेवल पर, दूसरा थोड़ा अपना एक्सटेंडेड परिवार की लेवल पर, सोसाइटी की लेवल पर, देश की लेवल पर, पूरा ब्रह्मांड के लेवल पर, आप किस लेवल पर अपने लक्ष्य को रखते हो उस लक्ष्य के अनुसार यूनिवर्स आपको वो देती है। यदि आपने गाड़ी मांगा, आपका गाड़ी के अनुसार आप इस एनर्जी को यूज कर सकते हो। आपने बोला सोसाइटी में मुझे इस भोपाल को ध्यान भोपाल बनाना है, उसके अनुसार सब कुछ क्वालिटीज आपकी उतर भीतर उतर जाएगा। आपके लक्ष्य है अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत, उस
महासंकल्प के अनुसार सब कुछ आपके भीतर उतर जाएगा। माय डियर मास्टर्स, इस दिव्य क्षण में हम क्या डिसीजन ले रहे, इसके लिए पढ़े लिख के छोटा बड़ा, बड़ा मास्टर, सीनियर मास्टर, जूनियर मास्टर, बिल्कुल नहीं। एक संकल्प की जरूरत है। जो हम संकल्प लेंगे उसके अनुसार वो पॉसिबिलिटीज को खोल देती है ब्रह्मांड। अभी हम लोगों को ये ब्रह्मांड पॉसिबिलिटीज खोल रही है या नहीं? जब 40 साल पहले कोई पितामह ने बोला हिमसा शाखार पिरामिड मैत्री ध्यान जगत बनाऊंगा, तब हंस के छोड़ दिया। हाँ, बना दिया, एक भी ध्यानी नहीं है, अब ये जगत बन गया ध्यान जगत। लेकिन आज का दिन में करोड़ों लोग ध्यान कर रहे, ध्यान प्रचार कर रहे। तो जैसा हमारा लक्ष्य है, संकल्प है, उसके अनुसार सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर उतार देती है। माय डियर फ्रेंड्स, भरोसा, कितने लोगों को भरोसा है इस पे? यस माय डियर फ्रेंड्स, अब आप एक बार अपने भीतर से समझने की प्रयास करें, ये जो संकल्प आपको कहां से आ रही है? भीतर से आ रही है। ये जो भीतर की शक्ति वो अनंत है दोस्तों, लेकिन हम उसको क्यों नहीं यूज कर पा रहे? अभी जैसा हमने जिन धारणाओं की बात किया, हमारा लिमिटेड माइंड, फियर बेस्ड थिंकिंग, सोसाइटी से बना हुआ हमारे माइंड क्या बोलती है? तुम औरत हो, तुम इतना ही कर सकते हो, तुम आदमी हो, इतना ही कर सकते हो, करके एक सीमा की रस्सी ने बांध लिया। इसके पीछे बहुत सारे चीजों को हम कॉन्शियसली लेकर हम अपने भीतर बिटा दिया। तो इसलिए हम अपनी भीतर की अंतर शक्ति को जगा नहीं पा रहे थे। जब हम इस बात को जान लिया, अनंत शक्ति है इस आत्मा की, मैं आत्मा हूं, ना ही औरत ना ही आदमी, इस बाउंड्री से बाहर आते ही प्रवाह शुरू हो जाएगा आपका। फिर जहां पर आप ये संकल्प करेंगे वो प्रवाह बहने लगेगा, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, समझ में आ रहा या नहीं? यस माय डियर फ्रेंड्स, अंतर अग्नि को जलाना है मींस अपनी भीतर की अनंत शक्ति, आत्मा शक्ति को जगाना है। मैं आत्मा हूं, इसको कण कण से, भीतर से, गहराई से उस पे भरोसा रखना है। जितना आप ट्रस्ट करेंगे, जितना बाउंड्री से बाहर आएंगे, उतना उस शक्ति की प्रवाह भीतर से जाग जाएगा। ये फर्स्ट कदम है। उसके बाद क्या होगा? जो आपकी संकल्प को मैनिफेस्ट करने की जिस बुद्धि की जरूरत, जिस ज्ञान की जरूरत, जिस खरेज की जरूरत, शक्ति सामर्थ्य, ये सब ब्रह्मांड में कहीं पर भी होगा, वो आपके भीतर उतर जाएगा। भरोसा रखिए इस बात पे। तब भी मैंने बोला कुछ चीजें ऐसा है जो आप नहीं जानते, उनको सुनने के लिए मिलेगा, उनको लेकर जाइएगा और उसके साथ जीना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। जितना हमारा बड़ा संकल्प, उसी में सारे छोटे संकल्प भी क्लियर होते जाएंगे। ये सारे बात अनुभव से बोल रहे हैं हम सब, PSSM में सेवा के साथ जुड़े हुए। हम अपने बच्चे के लेवल पर नहीं सोचते, हम सिर्फ 4 जन के परिवार के बारे में नहीं सोचते,
जब हम सोचते हैं यस हमारे द्वारा हजारों लोगों तक ध्यान और ज्ञान पहुंचना चाहिए, वो पूरा होने के लिए मुझे फिजिकल लेवल पर जो जो चाहिए वो अपने आप मेरे पास आ रहे बिना मांगते हुए, है कि नहीं? इसी तरह और जो जो जिस सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट मिल रहा है, उस सपोर्ट में हम जी रहे हैं और उस सपोर्ट के साथ हम अपने संकल्प को पूरा होते हुए भी देख रहे हैं। बाबा भरोसा रखिएगा इस बात पर, लिमिटेड लेवल पर रहते हुए यहां अनंत हजारों समुद्र की शक्ति को वेस्ट कर रहे हैं हम। हजारों समुद्र की शक्ति है, उसमें से आप एक ग्लास जितना उठाना चाह रहे हो या पूरा समुद्र की शक्ति को बहने दोगे, या एक गड़ा उठाना चाह रहे हो, टंकी उठाना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर है दोस्तों। वो तो तैयार बैठी हुई है, लेकिन हम अपनी धारणाओं को बदलते हुए अपनी सोच विचारों को लोअर स्थिति से उन्नत स्थिति में उठाते हुए हायर स्थिति की संकल्प को लेते हुए आगे बढ़ने से हमारे भीतर की परमात्मा अपने आप जाएगा। संकल्प यानी क्लियर थॉट। क्या है? क्लियर थॉट। संकल्प के द्वारा आपने क्या किया? अंदर प्रज्वलित अग्नि, अनंत सागर की शक्ति को बाहर लेकर आ रहे हो और उसको बाहर मैनिफेस्ट होने के लिए यूज कर रहे हो। आप अपनी आत्मशक्ति के द्वारा ही सब कुछ बाहर मैनिफेस्ट कर सकते हैं माय डियर मास्टर्स। ये सब बाहर जितना भी सृष्टि बनी हुई है, यदि आज इसी हॉल में देखिए तो ये जो पिरामिड्स, किसी को भी छोटा नजर से मत देखना, राइट? ये जो पिरामिड्स लगा हुआ है, ये जो सेत वर्कशॉप यहाँ चल रहा है, पिरामिड्स, सेत वर्कशॉप, उसके साथ साथ ये चार दिन की सेत वर्कशॉप के द्वारा यहाँ जो ऊर्जा चारों ओर फैलते हुए भोपाल, पूरा मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरा धरती की ऊर्जा बदल रहा है, यानी बाहर बदलाव हो रहा है या नहीं, ये कहां से? यहां पर बैठ के दिव्य क्षण में क्या क्या संभव हो सकता है? हम ये शरीर मात्र नहीं, लिमिटेड मन, लिमिटेड बुद्धि नहीं, हम आत्मा है। इस बात को जानते हुए अपनी आत्मशक्ति को जगाने से, हम सबकी आत्मशक्ति जागने से उसकी बाहर का भी सृष्टि हो रहा होता है। वो सृष्टि पिरामिड भी हो सकता है, वर्कशॉप भी हो सकता है, इन सब के द्वारा उतरने वाला चेतना शक्ति, दिव्य चेतना शक्ति, एकता प्रेम और करुणा से भरा हुआ चेतना शक्ति चारों ओर बहते हुए ऑलरेडी इस धरती पर स्थित ड्यूअलिटी को न्यूट्रलाइज कर उसको एकता की ओर इस पूरा धरती को लेकर जा रहे हैं। बाहर ये सृष्टि हो रहा है या नहीं, हम सब सृष्टिकर्ता बनते जा रहे हैं। इसके लिए पहला कदम हम अपनी भीतर की आत्मशक्ति को जगाना है। किसको जगाना है? यस माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक क्या है आपका जीवन उसको छोड़ दीजिए। अब आप इस दिव्य क्षण में जो भी संकल्प लेंगे, लक्ष्य लेंगे,
लक्ष्य को चूज करेंगे तब ऑटोमेटिकली उसके अनुसार आपका चेतना शक्ति भी बढ़ेगा। वहां तक पहुंचने के लिए आपके सारे पंखड़ियां जितना खोलने की जरूरत है वो धीरे धीरे खुल जाएगा। माय डियर मास्टर्स, हम सब यहां बैठकर अहिंसा शाकाहार पिरामिड मैत्री ध्यान जगत की बातें कर रहे हैं। हम सब यहां पर बैठकर बहुत सारे दिव्य चेतनाओं की बातें कर रहे हैं, है कि नहीं? यही बात रोड पे चलने वाले किसी से भी यदि पूछेंगे वो हंसेंगे, बोलेंगे ये नहीं है संभव। लेकिन हम सबको पता है ये संभव है। क्यों? क्योंकि जिस आत्मा की यात्रा मैंने फर्स्ट वन मिनट में जो बताया, इतनी लंबी यात्रा करके आपने जो एवोल्यूशन के द्वारा आप जो सीखते हुए आए, उसकी संस्कार के द्वारा ये आत्मा ऐसा एक महोन्नत संकल्प लेने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसकी संबंधित तैयारी भीतर से ऑलरेडी है। अपने लिए कौन खड़े रहेंगे? कौन? खुद खड़े रहना। इन बातों को इजीली मत लेना। अपने लिए खुद खड़े होने का हिम्मत रखो दोस्तों, बहुत जरूरी है। दूसरे से ढूंढने का मत रखो। जब आप खड़े होगे तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जब आप आपके लिए खड़े रहोगे, अपने साथ खड़े रहोगे, तब पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। यदि ये सिंगल लाइन भी याद रखोगे, आप बड़े बड़े अक्षरों में अपनी दीवारों में हर कमरे में भी चिपकाओगे, तो देखना बहुत समय नहीं लगेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को छोड़ के, हम अपने आप को छोड़ के इधर उधर भागने से ही, हमारे सीमित मन से हम अपने जीवन जी रहे हैं, हम हायर संकल्प को नहीं ले पा रहे। ऐसा मैं संकल्प भी लेके मैं क्रिएट भी कर सकती हूँ, करके भी ये नहीं जान पा रहे, राइट? आज जान लीजिएगा, जो आप चाहेंगे, जो आप क्रिएट करना चाहेंगे, वो होकर ही रहेगा। इस पे भरोसा रखिएगा, राइट? यस माय डियर फ्रेंड्स, इस यूनिवर्स को लक्ष्य छोटा है बड़ा है उसको कुछ लेना देना नहीं है। जो आप मांगेंगे वो ही मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि हम सब परमात्मा की प्रतिबिंब है। बाबा, इसको पल के लिए भी मत भूलना। जब जब आप अपने आप को जज कर लेते हो, कंप्लेंट कर लेते हो, खड़े हो जाइए एक सेकंड, ये क्या कर रहा हूं मैं? मेरा भीतर परमात्मा को मैं अपमान कर रहा हूं? फिर बोल रहा हूं हे परमात्मा, बाहर हाथ जोड़ रहा हूं। तो यस, अपने आप को कभी भी निंदा ना करें, और जब जब जरूरत अपने प्रति प्रेम और करुणा को रखिए। प्रेम और करुणा, जब जब आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपके बिहेवियर, आपने क्रोध किया, आपने गुस्सा किया, चिल्लाया, दूसरे को परेशान किया, जब आप अपने ऊपर बहुत कुछ लगेगा, ये क्या किया मैंने, क्या है, राइट? उस समय खड़े हो जाओ, यस, मैं परमात्मा की प्रतिबिंब हूं। उस पल में, उस क्षण में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके अंदर, तब वो परमात्मा तुरंत डिसीजन लेगा नेक्स्ट टाइम इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए।